पहुंच चुके हैं राखी वाले स्टॉल पर, देखते हैं राखी कैसा मिलता है। 80 का पीस पड़ेगा मैम, 80 का पसंद कीजिए, रेट लगा दिया जाएगा। आइए देखिए, यही सब राखी आया हुआ है, इसी सब में देखते हैं अपने भाई के लिए हमको कौन सा राखी पसंद आता है। क्या जी जी, ये नया तरह का राखी आया हुआ रुद्राज का। अच्छा, ब्रेसलेट का काम करेगा ना? कैसे ये? 150 का पीस पड़ेगा। दीदी का दुकान है, क्योंकि ये हम लोग की फ्रेंड भी हैं, भाभी भी हैं, दीदी भी हैं, और राखी भी लगाई हुई है, इसलिए हम लोग इन्हीं के दुकान पर आए हैं। खर्चा बढ़ जाएगा राखी में। हाँ, खर्चा नहीं बढ़ेगा अभी भाई, किसी को नहीं बनाने तो खर्चा बढ़ जाएगा भाई। ननद के लिए तो खर्चा वो साल में एक बार तो त्योहार आता है भाई बहन का। बिल्कुल सही, नहीं तो कोई 1 किलो टमाटर ही दे दीजिएगा। प्याज बोलिए, अब प्याज बोले नहीं, 180 रुपया का 2.5 किलो हम लाए हैं, 80 का 2.5 किलो। यही राखी है दीदी का। अभी मम्मी क्या चर्चा था, चर्चा में है अभी, ये सुइया पे वो है जो कुसुम नहीं आती है, उन्हें क्या सत्संग है, बेचारी को फोन की है कि आइए थोड़ा देर के लिए, वही अभी वहाँ अभी हो ही रहा है, तब भी चलो 10 मिनट वहाँ। हम बहुत परेशान थे अपने भाई के लिए राखी के लिए, लेकिन फाइनली हमको ये राखी बहुत पसंद आया, और यही राखी हम अपने भाई को बांधेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये राखी कैसा लग रहा है, क्योंकि हमको बड़ा ही राखी बांधना था, छोटा राखी नहीं बांधना था। और ये मेरा तो इकलौता भाई है, इसलिए हम लोग 2 राखी बांधते हैं, एक ये बांधेंगे, एक रुद्राज का कुछ बांध देंगे, लेकिन मेन राखी यही रहेगा। और इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा राखी लगा मेरा, और मेरा पसंद कैसा है।